वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जितने बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि इस उम्र में हर कोई नहीं कर पाता जिम्मेदारी के साथ, ये आप सब कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगा। हमसे ज्यादा बढ़िया आप कर रहे हैं। सो गाइस, ये भाई ने हमें अभी यहाँ पे मिले थे, हमने हमारी प्रॉब्लम बताई तो भाई। सो गाइस, ये भैया जिनके अभी मैं बात कर रहा था। सो भाई, आज का भाई थोड़ा सा दिन खराब भी रहा, और भाई मेरे को मेरे फैमिली मेंबर्स का सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई जैसे ही कल आपने देखा था, हम पेट्रोल पंप पर रुके हुए थे और यहाँ पे टेंट लगाया हुआ था, और भाई यहाँ पे आपको भाई से मिलाते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी है रात को भी और अभी भी। तो ये हमारे भाई इधर, हेलो ये भाई हमारे, तो इन्होंने हमारी 200 रुपये की हेल्प करी है, इनके पापा जी ने दिए ना। नहीं हो भाई जी, तो थैंक यू सो मच भैया ना। चलो अभी चलते हैं, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं, अभी निकलते हैं, टाइम हो गया है 10:30 बज गई है। फाइनली गाइस, अभी चढ़ाव स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ से नाहन बचा हुआ है 3 से 4 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी यहाँ 8 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, और फाइनली भी चढ़ाव तो स्टार्ट हो गए भाई आगे से ही। तो चलिए अभी चढ़ाव के मज़े लेते हैं, बहुत चला लिए प्लेन रास्ते पे। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे चढ़ाव चढ़ा के थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हमें ये दोस्त सर मिले, उन्होंने हमें चिप्स दिए हैं। तो सर इधर आ जाइए आप भी। तो ये सर लोगों ने, तो थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक, सेफ जर्नी, बढ़िया से जाओ। थैंक यू सर। और आपको पता है सर लोगों भी ना सर जर्नी कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, अरुणाचल। तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि इस उम्र में हर कोई नहीं कर पाता जिम्मेदारी के साथ, ये आप सब कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगा। हमसे ज्यादा बढ़िया आप कर रहे हैं। नहीं 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 सर, लेकिन तो सर ठीक है सर, थैंक यू, अपनी राइड एंजॉय करो, सेफ जर्नी। ओके सर, थैंक यू। सो गाइस, अभी हमें सर लोगों ने ये दिया है, और भाई एक ना सर घूमने का चस्का लगना चाहिए भाई, हर कोई निकल पड़ता है, और हर कोई कहीं से भी, मतलब उम्र मायने नहीं रखती भाई, अभी उनके उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है, लेकिन भाई फिर भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो करना चाहिए भाई ट्रेवल। और बस यही कहना चाहूँगा, और सर लोगों से मिल के अच्छा लगा, हमें यहाँ पे देख के बैठे हुए थे, अभी चढ़ा के थक गए भाई, अभी चढ़ाव स्टार्ट हो चुके हैं, तो अच्छी खासी वाट लगी पड़ी है, और अच्छी खासी वाट लग रही है, क्योंकि भाई बोला था ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बैठने का सिस्टम रहता ही है, भले गियर वाली साइकिल हो या फिर कहीं भी हो, बैठना पड़ता है और रेस्ट ले लेके चढ़ना पड़ता है भाई। तो अभी फिर से भाई धीरे धीरे अर्ली रनिंग चल हो जाएगी, तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो चढ़ावन, और भाई नहान यहाँ से बचा हुआ है पूरा 4 किलोमीटर, अभी मैंने मैप में देखा, और भाई देखो ट्रकों को उतरने में, और भाई चढ़ने में देखो ट्रक अभी कैसा चल रहा है, और ये कार को देखना भी, यहाँ पे किसी दम लगाई देखना ना, और भाई सीधी खड़ी चढ़ाई है भाई, अभी जहाँ से मैं आया हूँ ना, देखिए आप उधर भाई चढ़ाइए, इधर मत देखिए और ना आप टपक जाओगे। और भाई ये जो पहाड़ों दिख रहे आपको, ये चढ़ा के उतर के चढ़ा के, भाई उतार तो ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी ये क्रॉस करके आए पहाड़ों, आपने जैसे कि देखा था कल पूरा प्लेन एरिया था, वो उस पार का एरिया है, और अभी इस पार का एरिया भाई ये जंगल स्टार्ट हो गया यहाँ से, और नहान है भाई, ये ऊपर दिखेगा नहीं आपको, झाड़ वो ना रखी है, तो नहान का रूट ये वाला है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, और वो जो पहाड़ियों पर आपको घर दिख रहे हैं शायद, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है नहान, और यहाँ से बचा हुआ है 4 किलोमीटर। करो ठीक है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम इरादा,
क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया। हाय 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 बहुत बढ़िया अंकल बहुत अच्छी आवाज थी है। ठीक है अंकल जी के शॉप पे बैठे हुए थे और अंकल जी ने एक सॉन्ग गाया भाई बहुत अच्छा लगा। आवाज एक नंबर है भाई जो सुर है ठीक लगा भाई बहुत अच्छा लगा है। तो अभी चलिए चलते हैं भाई हमारे पीछे हमारे चढ़ावों ने हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमारी साइकिल देखो भाई तिरंगा क्या ही ले रहा है आज। तो चलिए चलते हैं अभी आगे आगे बहुत बचा हुआ है और भाई अभी कवर कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई मैं बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ 11 किलोमीटर आया हुआ है और अभी 4 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो देखते भाई मैप को भी पता नहीं क्या होता है भाई कभी कम किलोमीटर बताता है कभी ज़्यादा बता देता है तो अभी 4 किलोमीटर बता रहा है 4 किलोमीटर हमको कब से बता रहा है। तो चलिए निकलते हैं हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और भाई ठीक है भाई पैदल यात्रा स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन भाई पहले से थोड़ा सपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि भाई अभी कंधे पे बैग नहीं है। तो चलिए अभी चलाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस कवर करते रहेंगे। चलिए भाई जय श्री राम। तो भाई चढ़ाई अच्छी खासी है और मेरी वाट लगी पड़ी है गियर वाली साइकिल की भी वाट लगी पड़ी है चलना पड़ रहा है। बस भाई मेरा एक फ़ायदा हो गया है गियर वाली साइकिल में कि थोड़ा बहुत ज़्यादा उतरना नहीं पड़ रहा है चढ़ाव पे भी थोड़ा बहुत चढ़ जाता हूँ वरना छोटा सा चढ़ाव भी चढ़ नहीं पाता था मैं मेरी बिना गियर वाली साइकिल से। और एक एडवांटेज ये भी मिला है कि मेरे कंधे पे भी कोई लोड नहीं है तो आराम से चढ़ा सकता हूँ मैं स्लोली स्लोली। तो चलिए भाई चलते हैं अभी आगे के लिए। भाई डेंटेड एंड भाई चढ़ावन तो मेरी वाट लगा के रखे वाट लगाने के पीछे पड़े हुए हैं और भाई मैंने पहले कहा ही था आपसे कि भाई अभी तो चढ़ाव स्टार्ट होंगे उत्तराखंड के पहाड़ भाई कुछ भी नहीं लगे भाई। भाई सभी फिलहाल में वाट लग ली है और भाई मेरे पीछे का व्यू देखो एक बार कितना प्यारा सा लग रहा है। पहुंच चुके हैं और भाई नहान में भी है इंडिया गेट जैसे कि आप देख सकते हो और अभी हम जा रहे हैं ये वाले गुरुद्वारा में। तो फाइनली गाइस अभी हम गुरुद्वारा में आए हुए थे और अभी यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। भाई आज ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए हैं लेकिन सो फाइनली गाइस गुरुद्वारा से भोजन करके आपस बाहर नहीं आ चुके हैं और भाई आज ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए और भाई अभी टाइम हो रहा है 4:30 के समथिंग हो गए 4:30 से ऊपर हो गई है। तो देखते हैं भाई अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। तो भाई अभी एक हमारे साथ हीट हो गई है क्या हीट हुई है कि भाई हमने साइकिल के पीछे हमारा स्वेटर रखा गुरुद्वारा में खाना खाने गए थे तो वहाँ से किसी ने उठा लिया है। थोड़ा सा आगे डिस्टेंस कवर कर लेते क्योंकि आज बहुत कम डिस्टेंस कवर करी है और भाई अभी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है और भाई जाहिर सी बात है कि भाई गलती भी मेरी थी कि मैं साइकिल पे रख के चले गया मेरा सामान गुरुद्वारा में खाना खाने तो गलती भी थी और मैंने वहाँ पे कोई अटैच भी नहीं किया था लोग तो लगा के गया था साइकिल में लेकिन भाई सामान तो बाहर था ना। तो ठीक है भाई जो भी हुआ ठीक हुआ भाई
मुझे कुछ तो सीखने को मिला कि भाई और अभी भाई इधर की जो ठंड है ना वाट लगा देगी भाई देखना, क्योंकि भाई कल मैंने यहाँ की ठंड देख ली है कैसी लगती है। तो अभी देखते हैं भाई, फिलहाल में तो अभी निकल रहे हैं कहीं, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ी कवर कर लेते हैं क्योंकि आज हमने डिस्टेंस नहीं कवर की है। और भाई अभी यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर का उतर आया था, बहुत ज़्यादा ही उतार था। तो भाई वो बोल तो रहा हूँ मैं, अभी तुम 10 किलोमीटर का चढ़ा चढ़ाओ, उसके बाद सिर्फ 1 किलोमीटर का चढ़ा उतार आता है तो बुरा लगता है। चलिए भाई, हेलो भाई, बढ़िया बढ़िया। कहाँ जा रहे हो भाई? हम भाई ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, एमपी से हैं। एमपी मध्य प्रदेश ऑल इंडिया ट्रैवल? जी जी। तो हम देख रहे हैं खाना ट्रैवल कर रहे होगा। हाँ तो हम खाना ट्रैवल कर रहे होंगे, आप दूर से आए होंगे। जी जी जी। तो हो रहा आप जी भाई? भाई इन भाई को लाइक करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। बहुत दूर से आए हमारे भाई, भाई साइकिल में आ रहे हैं। तो गाइस ये भाई ने हमें अभी यहाँ पे मिले थे, हमने हमारी प्रॉब्लम बताई तो भाई हमें भाई ने स्वेटर दिया है, तो थैंक यू सो मच भाई लोगों। अरे भाई कोई ना, बोले यार भाई आप फोन कर देना, कुछ और भी चाहिए हो मैं वो पकड़ा जी भाई, कोई चक्कर नहीं। और थैंक यू सो मच भाई ना। अरे भाई थैंक यू भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको पकड़ा जाता हूँ कुछ। तो गाइस अभी हमें भाई लोगों ने मिले थे तो भाई बहुत अच्छा लगा है मिलके, और भाई मेरी इतनी हेल्प करी, थैंक यू सो मच भाई उनको, मुझे भी स्वेटर दे के गए हैं। और भाई यहीं पे अभी आप ऊपर जाओगे तो आपको और भी मजा आएगा, ऊपर में ना। हाँ काफ़ी मजा आएगा, बस ही आएगी आपको, ठंड लगेगी कहाँ पे। तो गाइस भाई लोग के साथ मैगी पार्टी चल रही है हमारी, अभी हम आपको पकड़ा देंगे। और भाई व्यू देखो इधर का, मैं आपको अभी भाई लोग हमें घुमाने के लेके आए थे, और भाई अभी आप भी वापस जा रहे हैं हम, तो चलिए चलते हैं। और भाई पीछे का व्यू देखो एक बार यार, कितना प्यारा सा आ रहा है व्यू। तो चलिए अभी चलते हैं भाई लोग उनके साथ वापस। गाइस अभी भाई लोगों वापस चले गए घर, और भाई जो भाई लोगों ने मिले ना भाई, तो बहुत अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है मुझे। और भाई सिर्फ मैंने ये बोला भाई लोगों को कि भाई मेरा स्वेटर चोरी हो गया गुरुद्वारा में खाना खाने का था, भाई एक भाई ने बस सिर्फ स्वेटर निकाला और लो भाई करके दे दिया यार। तो भाई दिल से अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और अभी चलिए आगे के लिए तो नहीं जा रहे, आज हम यहीं पे पेट्रोल पंप पर रुक रहे हैं। तो अभी चलिए अभी टेंट वेंट लगाते हैं। अभी हमें भैया ने कॉल लगाया था, हमारा शॉर्ट वीडियो हमने डाला था जो हमारा स्वेटर चोरी हो गया था उसके लिए डाला था। तो जो भैया हमें मिले थे आपको याद होगा कि नहीं, जिन्होंने संतरा हमें दिया था आंटी जी ने, तो वो भैया ने अभी यहीं के रहने वाले भैया, तो वो भी भैया आ रहे हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी भैया उधर से आ रहे हैं तो उनसे मिलते हैं। और भाई भैया ने हमारे लिए स्वेटर लेके आ रहे भैया, तो थैंक यू सो मच भैया को यार। सो गाइस ये भैया जिनके अभी मैं बात कर रहा था, तो थैंक यू सो मच भैया इतनी हेल्प करने के लिए। अरे और भैया हमारे लिए स्वेटर लेके आए हैं। अरे तो भैया थैंक यू यार, ये सही प्यार बनाए रखो बस, हमेशा प्यार बांट के चलो। बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया ना, ठीक है भैया, अदर विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। ठीक है भैया। भाई भैया ने स्वेटर वगैरह सब ला के दिया है यार, तो भाई थैंक यू सो मच भैया को, और तो बहुत अच्छा लगता है। और भैया को थैंक यू सो मच भाई दिल से, और वो भाई को भी जिन्होंने हमें ये स्वेटर दिया है, तो इतनी हेल्प भाई बहुत है भाई मेरे लिए। तो चले भाई अभी चलते हैं आपस हम पेट्रोल पंप पे, और थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि भाई इतना प्यार भाई बाहर आज तक नहीं मिला है, तो बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए अभी चलते हैं, याले पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, और ये लगा हुआ हमारा टेंट। तो भाई आज का भाई थोड़ा सा दिन ख़राब भी रहा, और भाई मेरे को मेरे फैमिली मेंबर्स का प्यार देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे ही प्यार बनाए रखो भाई। मेरे को बहुत सपोर्ट मिला भाई, मेरा एक सिर्फ स्वेटर चोरी हुआ और मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली का इतना सपोर्ट मिला, तो थैंक यू सो मच। पेट्रोल पंप वाले भैया उनने खाना खिलाया तो थैंक यू सो मच। ऐसे तो हम गुरुद्वारा में खा के आए थे, और भाई लोगों ने मिले थे उन्होंने भी मैगी खिला दी थी, फिर भी भैया बोले खाना खा लो, तो खाना खा रहे हैं। सो गाइस बस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, गुड नाइट, जय हिंद।